आज हम बनाएंगे प्याज की ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी जिसे आपने ना तो पहले कभी बनाई होगी और ना ही खाई होगी। इसे बनाना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल क्रीमी फ्लेवर में रिच ग्रेवी के साथ ये बहुत जल्दी बनके तैयार होती है किचन के बेसिक से सामान में और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। प्याज की सूखी सब्जी तो हम बनाते खाते रहते हैं, आज हम इसे थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे, सभी को ये बहुत पसंद आती है। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं मैंने इसे कैसे बनाया है। तो कढ़ाई में हमने 2 बड़े चम्मच तेल ले लिया है, तो सबसे पहले इसमें हम प्याज को फ्राई करेंगे। 5-6 प्याज को हमने बड़े टुकड़ों में काट के उसकी परतें निकाल ली हैं। इस तरह से प्याज काटने में सब्ज़ी बहुत अच्छी दिखाई देती है। प्याज को हमें सुनहरा होने तक फ्राई करना है। प्याज का कलर चेंज हो गया है, हल्की सी ये ट्रांसलूसेंट हो गई हैं, गोल्डन कलर की हो गई हैं और इसकी क्वांटिटी भी कम हो गई है। तो एक बार इसे चलाते हुए मिला देंगे, फिर सारी प्याज को हम कढ़ाई से निकाल लेंगे। प्याज निकालने के बाद उसी कढ़ाई में हम 2-3 बड़े चम्मच तेल और ले लेंगे। तो कढ़ाई में हमने तेल ले लिया है, तो सबसे पहले उसमें डालेंगे हम 1 चम्मच ज़ीरा, 1 तेज़पत्ता ऐड कर देंगे और 1 बड़ी इलायची को हमने दरदरा कूट लिया है इसे भी डाल देंगे, और हमने अदरक ग्रेट करके लिया है इसे भी ऐड कर देंगे। इस सब्ज़ी में आप लहसुन ना डालें, फ्लेवर ज़्यादा अच्छा नहीं आता है। 3-4 हरी मिर्च हमने काट के ली है इसे भी ऐड कर देंगे, और अब सारी चीज़ों को हमें हल्का सा भून लेना है। तो यहीं पर अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। तो 2 बड़े साइज़ के टमाटर को हमने मिक्सर में पीस लिया है, मिला देंगे इसे हम, और टमाटर को मिलाने के बाद हल्का सा इसे भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़े से सूखे मसाले भी ऐड कर देंगे इसके साथ ही। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे 1/2 छोटी चम्मच क्योंकि हमने हरी मिर्च ज़्यादा ली है, धनिया पाउडर डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच भर के बिल्कुल, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, जितना नमक हमें सब्ज़ी में डालना है सब यहीं डाल देंगे। अब सारे मसालों को मिलाते हुए हमें इसे भून लेना है। मसालों को हम तब तक भूनेंगे जब तक उसका कलर ना चेंज हो जाए और ऊपर सरफेस पे तेल ना आ जाए। तो मिला देंगे सारी चीज़ों को अच्छे से, इसके बाद हम इसे 3-4 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे धीमी आंच पर। 3-4 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं मसालों का कलर भी चेंज हो गया है, ऊपर तेल भी आ गया है, बहुत अच्छे से ये भून के तैयार हो गई हैं। तो एक बार इसे मिला देंगे हल्के हाथ से, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कटोरी दूध की मलाई। तो 3-4 चम्मच के करीब हमने जो घर में नॉर्मल मलाई होती है ना, उसे निकाल करके चम्मच से अच्छे से फेंट लिया है ताकि उसमें गुठलियाँ ना रहें। तो मसालों में डाल के हमने इसे अच्छे से मिला दिया है और ये बहुत अच्छे से मिल गई है। तो इसे भी हम ढक करके 3-4 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये भी मसालों के साथ अच्छे से भून जाए और ऊपर तेल आ जाए। दूध की मलाई की जगह आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं, लेकिन जो दूध की मलाई है वो सभी के घर में आसानी से मिल जाती है, इसलिए मैंने इसे ही इस्तेमाल किया है। तो मसाले भुन गए हैं, ऊपर तेल भी आ गया है, तो इसे अच्छे से मिला देंगे एक बार। और मसालों को मिलाने के बाद हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके लिया था अलग से। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए, और थोड़ी सी कसूरी मेथी हमने ली है इसे भी डाल देंगे। मिला देंगे सारी चीज़ों को, और इन सभी को मिलाने के बाद हमें इसे 2-3 मिनट और पका लेना है। सारी चीज़ें वैसे पक चुकी हैं, लेकिन कसूरी मेथी गरम मसाले का फ्लेवर अच्छे से मिल जाए इसलिए इसे हम 2 मिनट और ढक के पकाएंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं, सब्जियों का कलर चेंज हो गया है, सब्ज़ी हमारी बिल्कुल बनके तैयार है। तो लास्ट में इसमें हम डालेंगे धनिया पत्ता, हल्के हाथ से मिला देंगे इसे भी। तो देखिए हमारी प्याज की कुछ अलग तरह की रेसिपी बनके तैयार हो गई है। सूखी सब्ज़ी और बाकी नॉर्मल सब्ज़ी तो हम खाते रहते हैं, एक बार आप इस तरीके से बनाइए, आपको प्याज की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगेगी। इसे आप रोटी के साथ खाइए, गर्मा गर्म पूड़ी या पराठों के साथ खाइए, बहुत ही अच्छी लगती है, कुछ अलग मिलता है खाने को, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो सब्ज़ी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, इसकी हम कर लेंगे प्लेटिंग। तो आप भी प्याज की इस अनोखी सब्ज़ी को बनाइए, घर वालों को खिलाइए, सभी को बहुत पसंद आएगी। और मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।